नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नुमिस्मैटिक एंटिकार्ट्स पे। दोस्तों, हम में से हर किसी के पास, लगभग हर किसी के पास कुछ पुराने कॉइन्स या नोट्स होंगे जिन्हें आप बेचना चाहते हो और उनसे कुछ पैसे कमाना चाहते हो, परंतु आपको ये नहीं पता होगा कि आप उन्हें बेचे तो बेचे कहाँ पे, यही आपका डाउट होगा। तो इसीलिए मैं आज आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ, जिस वीडियो पे मैं आपको देने वाला हूँ 10 ऐसे तरीके, बताने वाला हूँ 10 ऐसे नुस्खे जिन्हें अपनाकर आप अपने पुराने कॉइन्स या नोट्स को बेच सकते हो और उनसे काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा और मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो लाल सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है ठीक इस वीडियो के नीचे, उसे क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन आएगा उस पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि आप तक पहुंच जाए हमारे हर नए वीडियोस के नोटिफिकेशन। तो दोस्तों, चलिए देर नहीं करते हैं और इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला जो ऑप्शन मेरे पास यहाँ पे है वो है डायरेक्ट ऑफलाइन बायर्स का। तो दोस्तों, आपको ये डाउट होगा कि डायरेक्ट ऑफलाइन बायर से मेरा क्या अर्थ है। तो दोस्तों, ये कुछ उसी तरीके का है जैसे कि आप बाज़ार पे जाते हो और वहाँ जाके सब्जी वाले से पैसे देते हो और सब्जी हाथों हाथ ले आते हो, वो ऑफलाइन होता है एवं डायरेक्ट होता है। दोस्तों, इस तरीके से आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको जो बारगेनिंग का अच्छा एक मौका मिल जाएगा और आपको बेचने के ज़्यादा दिक्कत नहीं उठाना पड़ेगा एवं आपको बिल्कुल फेयर प्राइस मिल जाएगा। दोस्तों, जो दूसरा ऑप्शन मेरे पास है वो भी ऑफलाइन ऑप्शन है और वो है कॉइन, नोट्स या स्टाम्प्स के जो एग्जीबिशंस लगते हैं भारत के कुछ बड़े शहरों में लगते हैं और काफ़ी जगह पे लगते हैं, लगभग राउंड द ईयर लगते हैं। वहाँ पे आप जाइए और जो कलेक्टर्स आते हैं उनसे बात कीजिए एवं अपने कलेक्शन को बेचने का कोशिश कीजिए। दूसरा जो तीसरा ऑप्शन है वो है कलेक्शन शॉप्स या फिर हॉबी शॉप या फिर जो रोड साइड वेंडर्स होते हैं जहाँ पे कॉइन्स या नोट्स को एक्सचेंज कर रहे हैं, फटे नोट्स को लेते हैं वो लोग, वहाँ पे भी जाके आप अपना जो पुराना कॉइन्स का कलेक्शन है, नोट्स का कलेक्शन है, उन्हें बेच सकते हो। तो दोस्तों, मैं प्रेफर करूँगा कि आप इन ऑफलाइन तरीकों को ही अपनाओ। दोस्तों, चौथे ऑप्शन से मेरे पास यहाँ पर मैं ऑनलाइन ऑप्शन है, तो जो चौथा ऑप्शन है वो है ईबे का। दोस्तों, ईबे पे कलेक्टर्स का एक अच्छा जो हुजूम है, एक अच्छा जो मार्केट है वो बन पड़ा है। जो भी कलेक्टर को कुछ चाहिए होता है तो वो ईबे पे सबसे पहले ढूंढता है, क्योंकि ईबे पे ओल्ड चीज़ें जो है, एंटिक स्टाम्प्स हो गए, कॉइन्स हो गए, नोट्स हो गए, उनका एक काफ़ी अच्छा मार्केट बन पड़ा है। तो दोस्तों, इसी करी पे जो पांचवा ऑप्शन है वो है अमेज़ॉन का। आप अपने प्रोडक्ट्स को अमेज़ॉन पे भी बेच सकते हो और वहाँ से भी मुनाफा कमा सकते हो। छठा ऑप्शन मेरे पास में जो है वो है फेसबुक का। तो दोस्तों, फेसबुक पे कैसे? दोस्तों, फेसबुक पे अगर आपके पास थोड़ा बड़ा कलेक्शन है बेचने के लिए तो आप एक पेज बना लीजिए जिस पे आप दे सकते हो ओल्ड कॉइन्स एंड नोट्स फॉर सेल, और वहाँ पे आप अपने कलेक्शन को बेच सकते हो। कैसे बेचेंगे? वहाँ पे आप अपने कॉइन्स या नोट्स पे कुछ फ़ोटोज़ दीजिए और थोड़ा डिस्क्रिप्शन दीजिए, उससे आप बेच सकते हो। सातवां ऑप्शन है यूट्यूब पे, जो ऐसे कलेक्शन चैनल्स है उन पे आप कमेंट कर सकते हो उनके वीडियोज़ पे, और ध्यान दीजिएगा कि कमेंट को तो आप बड़ा लिखिए और उस पे जो कॉइन्स या नोट्स हैं उनका थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन भी दीजिए, जैसा कि मेरा चैनल हो गया, ऐसे चैनल्स पे आप कमेंट कर सकते हो। दोस्तों, आठवां जो ऑप्शन यहाँ पर में है वो है shopclues.com का। ये भी एक ऑनलाइन साइट है और यहाँ पे भी आप अपने प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। नवा ऑप्शन मेरे पास क्विकर और ओएलएक्स है, वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा एक बार्गेनिंग का मौका मिल सकता है। और दसवां जो ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन, में लौट के आ रहा हूँ ऑफलाइन ऑप्शंस पे। तो दोस्तों, कोशिश कीजिए जितना पॉसिबल है आप ऑफलाइन तरीके से ही अपने कॉइन्स और नोट्स को बेचिए। आप कलेक्टर ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हो, एसोसिएशंस को ज्वाइन कर सकते हो या फिर उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो और उनके मेंबर्स को अपने कलेक्शन को बेचने का कोशिश कर सकते हो। इससे आपको बार्गेनिंग का काफ़ी अच्छा एक मौका मिल जाएगा। ऑनलाइन में क्या होता है कि बार्गेनिंग उतना नहीं किया जाता है और इससे क्या, आप जो अपने प्रोडक्ट है उसके लिए एक फेयर प्राइस मिल सकता है आपको और आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा मिल सकता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपका जो कॉइन या नोट है वो बिक जाएगा और आपको उसके काफ़ी अच्छे जो मुनाफे हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।